तुलसीपुर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ जिसकी अपनी महिमा बताई जाती है, यहाँ पर माता सती का पट सहित वाम स्कंध गिला था, इसीलिए इसका नाम पाटेश्वरी शक्तिपीठ पड़ा। गोरक्षनाथ पीठ के अंतर्गत इस पीठ को भी संचालित किया जाता है। मेरे साथ इस पीठ की महिमा बताने के लिए और इस पूरे मंडल की राजनीति पर एक प्रकाश डालने के लिए मिथिलेश नाथ योगी जी हैं, जो इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और तमाम राजनीतिक गहमा गहमी के बीच आपकी भी व्यस्तता रहती है, हमारे बीच इन्होंने समय दिया है, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका NBT पर। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही कि देवीपाटन शक्तिपीठ के दरबार में हम लोग, क्या है इसकी महिमा? देखिए, ये तो विश्व विख्यात है क्योंकि माता सती का यहाँ पे वाम स्कंध गिरा था, और जिस समय भगवान शंकर ने माता सती का शव लेके भ्रमण किया था, उस समय सुदर्शन चक्र से काट के मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने जो है कि अंग को जो अलग अलग किया था, तो उस समय वो जहाँ जहाँ पे गिरा वहाँ पे पीठे स्थापित थी, तो यहाँ पर भी जो है माता जी का एक अंग गिरा जिसे कहते हैं वाम स्कंध, यानी बाई भुजा गिरी पट के साथ में, और इसीलिए पाटेश्वरी देवी नाम पड़ा। साथ में जो है इस पीठ पर, क्योंकि गोरक्षपीठ से जुड़ा हुआ पीठ है, तो ये तपोभूमि गोरक्षनाथ जी की भी मानी जाती है, और यहाँ पर उनकी एक अखंड धुना है जो त्रेता युग से ही नियंत्रण जो है अभी तक जल रहा है, केवल साधु संत उसके पुजारी जो है देख रेख करते हैं, उसको अखंड बनाए रखते हैं। साथ साथ में जो है इस पीठ के अंदर कर्ण का भी एक इतिहास मिलता है, जो महाभारत काल के समय में यहाँ पर उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, और धनुर्विद्या सीखा था, और ये सूर्य कुंड जो है सूर्य भगवान के नाम से पड़ा था, क्योंकि वो सूर्य देव के ही पुत्र थे और सूर्य देव को जल अर्पित करते थे, तो तब से ये सूर्य कुंड पड़ा। सर, आपने कहा कि ये गोरक्षनाथ पीठ के अंतर्गत संचालित होता है। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कल यहाँ पर वो आ भी रहे हैं। क्या लगता है कि कितना प्रभाव होगा इस मंडल की सीटों पर, क्योंकि तीन जगहों पर तीन जिलों में चुनाव हो चुका है, और क्या पूरा प्रभाव लगता है आपको राजनीतिक रूप से? वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ही उनका योगी जी का प्रभाव है, ये तो क्षेत्र उनका अपना है, और स्पीड के माध्यम से भी जो है कि लोगों को काम किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस यहाँ के चारों सीटें जो है बहुत आसानी से जो है विजय प्राप्त कर। मंडल में 20 सीटें हैं सर, जिसमें तीन जिलों में चुनाव हो चुका है और 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है एक तरह से। आपको क्या लगता है कि कमल फूल खिलेगा या जो है साइकिल अपने रफ्तार से दौड़ सकेगी? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, साइकिल उनका अपना है, वो जिस प्रकार से चलाए और जितना तेज चलाना चाहे उतना तेज चलाए, लेकिन आगे नहीं निकल पाएगी क्योंकि कमल खिल चुका है, और पूरे प्रदेश के अंदर जो है भाजपा की सरकार आने वाली है और 300 से प्लस आएगी सीटें, 300 से प्लस सीटें आएंगी। अच्छा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम विकास के कार्य करवाए गए हैं, तुलसीपुर क्षेत्र में भी विकास के कार्य करवाए गए हैं, खासकर जो मंदिर एक पर्यटन का स्थल है, पूरे विश्व विख्यात है। तो क्या लगता है कि सर, इन कामों की वजह से जनता लालायित हो रही है वोट करने के लिए, या कुछ और भी कारण है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है? नहीं, केवल यही वजह नहीं है, आप हर प्रकार का देखिए, जैसे बिजली की समस्या थी इस क्षेत्र के अंदर, सभी लोग जानते हैं, पूरे भली भांति जानते हैं कि पिछली सरकारों में जो है बिजलियाँ नहीं मिलती थी, आजकल बिजली मिल रही है, लोगों को राशन मिल रहा है, महीने में दो बार मिल रहा है, तो ये सब असर करेगा, और सड़कें बनी हैं, कहीं पे भी आप जो है कि इस समय जा सकते हैं। आप लोग भी पहले आते होंगे, देखते होंगे कि बलरामपुर से यहाँ तुलसीपुर आने में 1.5 घंटे का कम से कम समय लगता था, और अगर गोंडा से चलेंगे तो कम से कम 3 घंटे लगता था, लेकिन आज वो समय, हाँ, इस समय वो परिस्थिति नहीं है, इस समय बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हो गई हैं, क्योंकि रोड चारों तरफ जो है इस बलरामपुर जिले के अंदर अच्छी बन गई है। जनजाति वाली सवाल। अच्छा, अपने यहाँ थारू जनजाति भी बड़े पैमाने पर है, उसके लिए गोरक्षपीठ और देवीपाटन शक्तिपीठ दोनों लगातार काम करते हैं, इसके साथ ही नानाजी राव देशमुख जो भारत रत्न हैं, उन्होंने भी यहाँ पर रह के काम किया थारू इलाके में। क्या लगता है कि थारुओं के बीच थारुओं को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो मिल सकी हैं, और थारू जो कि आप भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर है और कभी कभी वो बसपा के साथ भी गया है, तो क्या लगता है कि थारू इस बार भी अपनी समस्याओं को भूलते हुए या अपनी परेशानियों को भूलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ देगा?
और नहीं बिल्कुल थारू भी जो है इस पीठ से जुड़े हुए हैं, ये बात हकीकत है, और गोरज पीठ से भी जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार की बात नहीं है जिस जो सामने आ रही है। थारू का पूरा वोट ही जो है भाजपा के साथ रहा है हमेशा। कभी बाई दफे अगर बीच में किसी ने अगर वो कर दिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो भाजपा के साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है मिलिया कोडर के अंदर बहुत बड़ा जो है कि उनका एक संग्रहालय भी जो है वहाँ पर करवा दिया है, और दूसरा जो कि हाँ मिनी स्टेडियम भी है। तो इन सब चीज़ों का तो असर पड़ेगा ना, तो उनके क्षेत्र में भी जो है बहुत सारा काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि उनका वोट नहीं आएगा, उनका पूरा वोट आएगा। तो ये आप थे मेरे साथ मिथिलेश नाथ योगी जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर जवाब दिए और बताया कि कमल खिलेगा और 300 से प्लस सीटें आ सकती हैं। मैं योगेंद्र पाठी, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए।